नमस्कार दोस्तों, पीएफसी शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.5% मान सकते हो या फिर 3.3% की आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में रेड कैंडल है और स्टॉक आपको कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि स्टॉक एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आने वाले समय में कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है, क्या तेज़ी आएगा या गिरावट आएगा, क्या कंडीशन बनेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या बनेगा, हम समझेंगे। ठीक है, तो सो दोस्तों अगर हम यहाँ पर से देखते हैं तो स्टॉक एग्जैक्टली के ऑप्टर में था, इसको ब्रेक डाउन करके क्लियर नीचे आ रहे हैं। अब इसका अगला सपोर्ट लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 433.65 का, जहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अब इसका अगला जो सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नज़र आ रहा है 384.85 का है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 350.75 का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट लेवल क्यों बता रहा हूँ, अगर आप ये समझना चाहते हैं, देखिए दोस्तों सपोर्ट लेवल पे होता है क्या ना, मैक्सिमम टाइम स्टॉक सपोर्ट जोन को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा है तो अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है और अपना ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंट नजर आएगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 483.4 का आपके सामने एक रेजिस्टेंस लाइन है, नेक्स्ट 509, उसके बाद 566, राइट। तो अगर हम दोस्तों आरएसआई की अगर बात करें, यहाँ पर आरएसआई आपके सामने मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो आरएसआई 63 पर है, मतलब कि ओवरबॉट जोन से थोड़ा सा नीचे है। तो पिछले दो तीन महीने से देखें तो स्टॉक में भी गिरावट है और आरएसआई में भी गिरावट दिखाई दे रहा है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई 42 पर है और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको 36.5 पर नजर आ रहा है। दोस्तों ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आरएसआई को देखने का मतलब ये होता है कि आप अपना जो होल्डिंग पीरियड है उसी हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि किसी को बहुत ही लंबे समय के लिए, साल, दो साल, पाँच साल के लिए होल्ड करना है तो मंथली टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। जिनको और भी छोटा टाइम, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो उनको अपना हिसाब से जो है बस टाइम फ्रेम को चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज में, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।